हाथरस के ही सासनी से है। सासनी में रक्तदान शिविर का महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती के मौके पर आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद शाखा सासनी द्वारा आयोजित गांधी जयंती के अवसर पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर SBS यूनियन पब्लिक स्कूल सासनी में बापू ब्लड बैंक के सहयोग से चलाया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन माननीय सांसद अनुप्रधान ने संयुक्त रूप से भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान डॉक्टर विकास सिंह, अंबुज जैन, हिमांशु वाशने, निर्देश वाशने, प्रज्ञा वाशने, नरेश वाशने, नीलम वाशने, नवीन वाशने, ज्ञानेंद्र कुशवा, आकाश सिंह, रामस्वरूप कुशवा, शिव कुमार, लक्ष्मण प्रसाद, भानु ठाकुर, निशांत वाशने, योगेश वाशने, आकाश वाशने, दीपक वाशने, प्रभात वाशने, आगोश शर्मा, डॉक्टर अमित कुशवा, डॉक्टर मनीष कुशवा, पवन कुशवा, कुलदीप कुमार, दलवीर सिंह, अर्जुन, विकास कपिल बंसल, संतोषी कुमारी आदि मौजूद रहे। भारत विकास परिषद द्वारा आज SBS यूनियन पब्लिक स्कूल में आज ब्लड डोनेशन का काम किया गया है, किस तरह का महसूस करें? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भारती तिवारी है। मैंने ब्लड डोनेट किया है महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय विकास परिषद की ओर से, और मैं ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और क्या ऐसे संगठन के लिए सर बहुत अच्छी बात है कि ये लोग ब्लड डोनेट कराते हैं, और बहुत अच्छी बात है, सभी को करना भी चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। धन्यवाद। सांसद जी, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया आज SBS यूनियन पब्लिक स्कूल? आज भारत विकास परिषद द्वारा गांधी जी की जन्म जयंती के पावन अवसर पर इन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। मुझे भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करने का अवसर मिला। इसमें कम से कम 100 हमारे इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसमें ब्लड डोनेशन किया है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने नेक और पुनीत कार्य में अपना सहयोग किया। और आज राष्ट्र महात्मा आदरणीय महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, उसके अवसर पर भी इस कैंप का आयोजन किया, उसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठे हुए। यहाँ की जनता ठगा सा महसूस कर रही है, आपने 3 महीने का वादा किया था नानो रोड के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि लगातार बरसात अब तक रही है, और बरसात के तत्काल बाद कल भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने BC की है, हम लोग सभी उसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। हमारी पहली प्राथमिकता है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम समय में आपको कहना नहीं पड़ेगा, इस मार्ग को हम लोग बनवा करके देंगे। ये भी सुना है कि कुछ रुपया भी आवंटित हो गया। देखिए, मैं समझता हूँ अभी स्वीकृति नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी, कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो महत्वपूर्ण रोड खराब है उनको तत्काल बनाने का काम किया जाए, तो कल हमने बात रखी भी है, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस रोड पर काम शुरू हो जाएगा। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्रीय खबरों के लिए आज डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।